आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, कार्तिक मास के महात्म का 23वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की कृपा आप सभी के जीवन में हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाए कल्याण। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान होता है वह घर घर नहीं होता है, वह घर तीर्थ बन जाता है, तीर्थ स्वरूप होता है, और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और समस्त प्रकार के अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता है, भगवान नंदी का दर्शन करता है। गंगा स्नान व तुलसी के पौधे के संसर्ग में आने वाला यह तीनों एक से एक बड़े पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह वह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि समस्त नदियाँ, विष्णु प्रवृत्ति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह कितना बड़ा ही पापी क्यों न हो, वह यमराज के मुख को नहीं देखता और न यमराज के द्वार पे जाता है। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ या चंदन लगाते हैं, तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, तुलसी की जो लकड़ी है उसका चंदन लगाते हैं, वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उसके द्वारा किए हुए पाप उसके शरीर के अंदर नहीं जाते और ना ही वह पाप उस प्राणी को स्पर्श कर पाते हैं, क्योंकि उसने तुलसी के माला को, तुलसी की उस लकड़ी को घिस करके अपने मस्तक पर लगाया हुआ है। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करता है उसके पितर यदि नरक की यातना भोग रहे हैं तो वह मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवला को धारण करते हैं और उनको भगवान विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर के जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर के भोजन करने के विषय में बताया गया है। इसके संसर्ग में आने से समस्त प्रकार के शब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है और उसे विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी असमर्थ हैं, इसीलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। प्यारे मित्रों, आज हमने ये भगवान की दिव्य कथा वृंदा की उत्पत्ति सुनाई। आगे की पावन कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।